हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, हेलो दगड़ियो। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो एवरीवन, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लगभग 10 बज चुके हैं, और तो आज हमें जाना है बगड़ियाल गांव, क्योंकि प्रोग्राम सुबह से कुछ था नहीं। सुबह फ़ोन आया कि आपको आना है बगड़ियाल गांव, हमारे नाना जी का फ़ोन आया। तो अब चलेंगे बगड़ियाल गांव और बेहतरीन करके फुल एंजॉय लेते हुए फिर वही अपना पैदल रास्ता बेहतरीन करके फुल एंजॉय लेते हुए। तो बस पीड़ा में कुछ इस तरह के खेत, सरसों कहलाते खेत हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सुंदर खेत हैं, बिल्कुल हरे भरे, बहुत ही मस्त लगता है जब, और चौमास में जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे जो घास हरी लगती है, बिल्कुल सब हरा भरा लगता है गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बसपीड़ा में। लगभग यहाँ के आधे से ज़्यादा घर खाली हैं, सब छोड़ के चले जा चुके हैं। ये हैं गोभी, और जो गोभी फूल बननी थी वो कुछ इस तरह से बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे ये काटे नहीं। ये हैं गोभी, फुल गोभी गाइस। ये है बसपीड़ा से 500 मीटर आगे जाके एक मंदिर हमारा, और देवभूमि उत्तराखंड जिसे नाम से जाना जाता है। सारे देवी देवता यहीं निवास करते हैं, और उसी इसी पर्पस से, इसी श्रद्धा से, भावनाओं से ये मंदिर बनाए जाते हैं। और बहुत ही दिल में हमारे बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है इन मंदिरों पर गाइस। बहुत ही ज़्यादा फील आता है जब ये मंदिर हमें दिखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है हर चीज़ का। हमें कहीं भी जाना होता है, यात्रा करनी होती है, कुछ शुभ काम करने होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमें बाबा के दर्शन हो गए। और ये मंदिर मैंने आपको एक बार ऊपर से भी दिखाया था, पीछे से, पिछले ब्लॉग के पिछले वाले ब्लॉग में। और अभी भी मैं ऊपर चले जाता, लेकिन अभी मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि अभी मुझे वहाँ बहुत जल्दी पहुँचना है और फिर आना भी है घर, इसीलिए अभी भी दूर से ही दिखा पा रहा हूँ। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर पास ले आऊँगा, सारे मंदिरों को दिखाऊंगा गाइस। और बहुत ज़्यादा खुशी हमें जो यहाँ पे होती है नेक्स्ट लेवल की, और वो है इसे देख के। इसका मतलब ये है कि जब हम काफ़ी दूर से जब हम पैदल चल के आते हैं, तो एक प्यासे को क्या चाहिए? पानी। और हमें मिलता है यहाँ पे पानी, बिल्कुल शुद्ध नेचुरल वाटर। थोड़ा गंदा सा हो रहा है, पर माइंड मत लीजिए, क्योंकि ऊपर का पानी बिल्कुल मिनरल है और बिल्कुल साफ है। ये बाहर गाय भैंस वाला पानी है, तो इसलिए थोड़ी ये इसमें काई जम रही है, ज़बरदस्त वाला। मतलब यहाँ पे आके जो खुशी होती है, हमेशा यहाँ पे बैठते हैं, पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का हर एक जगह कहीं भी चले जाओ शुद्ध मिनरल वाटर मिलेगा। और वो मिनरल वाटर पी के जो एहसास होता है, जो वो पानी अंदर जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब डबल एनर्जी आती है। तो कभी भी अगर आप उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड के हो तो बहुत अच्छी बात है, और बाहर के हो, उत्तराखंड के नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। आप बिल्कुल उत्तराखंड में आइए, कभी भी आइए, और शुद्ध नेचुरल पानी, नेचुरल हवा का फुल आनंद लीजिए, फुल एंजॉय लीजिए, और बहुत मज़ा आता है यहाँ हर चीज़ का, हर पल का, एक एक चीज़, हर एक एक पल यहाँ बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। हर पल में खुशी है गाइस, मुझे तो यही सुकून मिलता है, यही जन्नत है, यही देवभूमि उत्तराखंड की बात है। छोटे छोटे गधेरे जा रहे हैं गाइस, तो अगर आपको आवाज़ आ रही होगी छिर 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 की, तो वो है झरने। झरने तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ये झरना है, अगर इसमें पानी ज़्यादा आता है तो ये झरने के रूप में आता है ना। आप देख सकते हो बहुत ही कम पानी आ रहा है, बहुत कम पानी आ रहा है, और इसे हम झरना कह सकते हैं अगर इस पे पानी ज़्यादा आए, क्योंकि आजकल बारिश का सीज़न नहीं है, बारिश बहुत कम आती है, तो इतने बड़े बड़े झरने आ नहीं पाते हैं। जैसी बारिश आती है तो पानी बढ़ जाता है, आप देख सकते हो इतना पानी अभी इसमें कुल है। इसकी आवाज़ जो दिल पे लगती है गाइस, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही सुकून मिलता है जब कानों में आवाज़ आती है छिर 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 की। अगर आपको आ रही होगी, बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ, अगर वीडियो में आएगी तो आप भी इंजॉय लीजिए, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि आपने जो भी जिसने भी झरने देखे हैं वो तो समझ सकता है कि आवाज़ आती है वाकई में, लेकिन फुल बहुत ही मज़ा आता है। तो गाइस, ये ऊपर वाला पड़ता है आपका बगड़ियाल गाँव, और बगड़ियाल गाँव से हम आ चुके हैं नीचे। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल मुझसे जानने वाले भी हैं फिर भी, और चाय पानी पूछा मैंने, रास्ता पूछा, क्योंकि यहाँ से 2-3 रास्ते कटते हैं, तो मैंने कहा कहीं गलत ना चले जाऊँ, इसलिए फिर भी मैंने रास्ता पूछ लिया, और क्योंकि यहाँ गूगल मैप नहीं चलता, गूगल बाबा हमें यहाँ सही जगह नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि गूगल बाबा खुद ही नहीं जानते यहाँ के रास्तों को, इसलिए हम पहाड़ी इतने अच्छे होते हैं कि कोई भी गलत रास्ता नहीं बताएगा, गलत कोई भी नहीं बताएगा।
तो थोड़ा यहाँ पे हम बैठे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और बाकी एक बहुत ही बैड, मतलब बहुत ही नहीं, थोड़ी सी बैड न्यूज़ है जो आप हमको हम आपको दिखाएंगे। ये हो चुका है सुबह सुबह एक हादसा। मैं दीवार का, एक जो दीवार होती है आगे की, बैठने वाली दीवार होती है, तो उस पे लगा रहा था मैं एक पत्थर और उसमें बीच में आ गया हाथ और हो चुका है कुछ ऐसा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये देखने में। और दर्द हो रहा है इस पे बहुत ही ज़्यादा, बेहिसाब, असहनीय जिसे कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा। बट कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी चोट है, नॉर्मल चोट है, ये तो लगते रहती है। बकायदा इस वजह से मैंने काफ़ी खून निकाल दिया और फिर से इसमें खून भर चुका है। ये भरना नहीं चाहिए था, ये बाद में बहुत ज़्यादा दर्द करता है। अगर उसी टाइम साफ हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है और दर्द भी नहीं करता है। तो गाइस, काफ़ी दूर चलने के बाद फाइनली हम पहुँचे एक दूसरे गांव में, बसोला गांव में। और यह है पूरा गांव बसोले का। इस गांव में बेहतरीन, सही लग रहा है व्यू, लेकिन यहाँ खेतों में कुछ नहीं हो रहा, सारे खेत सूखे पड़े हैं। तो अपनी मंजिल है बिल्कुल सामने, बिल्कुल ही बेहतरीन सीन, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आ रहा है। उसके पीछे वाले ढैये का व्यू बहुत सुंदर। और बस जस्ट पहुंचने वाले हैं हम, पहुंचने वाला तो नहीं है अभी, बहुत नीचे, पहले नीचे गधेरे जाना है नदी में और फिर नदी से होते हुए ऊपर, तो चलते हैं। इधर से आई हुई है रोड ऊपर से, तो उन्होंने खोद के ये मिट्टी डाली है यहाँ। और खेत हो चुके हैं, सारे खेतों का हो चुका है नाश, बिल्कुल बेकार कर दिया गया, क्या करें, लेकिन सुविधा मिलती है। तो देखो ये दीवार इन्होंने बनाई, लेकिन दीवार बिल्कुल कामयाब नहीं है, ऊपर से सारे पत्थर। चलो थोड़ा बहुत तो बचाया उसने वैसे, लेकिन देख सकते हो अब कैसी तबाही सी आ जाती है अगर रोड। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ गाइस जब हमारे गांव में रोड आई थी। हमारे गांव में भी बिल्कुल ऐसी इन्होंने कटिंग करी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब कटिंग करी थी, बहुत ऊपर कटिंग करी थी। तो चलो कोई बात नहीं। तो गाइस फाइनली पहुँचे हम नदी में नीचे, और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पर से आ रहा है, आप पीछे देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल आगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे हमें मिला एक हिरन, और धक 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 बहुत ज़्यादा दिल में हो रही है क्योंकि मैं उसको पकड़ने वाला था और बस जस्ट वो थोड़ा सा पहले भाग गया और वो भागा, हाँ ऊपर झाड़ियों में वो भाग चुका है। अगर मेरे साथ एक और होता हम उसे पकड़ते, क्योंकि खैर पकड़ के हमने करना तो क्या था, बट बहुत ही मज़ा आता है ऐसे जंगली जानवरों को पकड़ना। खैर हम उन्हें परेशान तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ ये फंसने भी ख़राब कर देता है, इसलिए थोड़ा इनके साथ करते, कुछ गलत नहीं है, बट पकड़ के भगा देते और क्या करते। और सुंदर व्यू, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा वहाँ पे जो है, बेहतरीन, बहुत ही गजब का लग रहा है भाई। मेरे साथ कोई और होता, मन तो मेरा अकेले भी नहाने का कर रहा है, बट क्या कर रहे हैं अभी नहा नहीं सकते, मुझे वैसी हो रही है लेट। और मेरे पास ऑप्शन था पुल का, पुल से हम जा सकते थे, बट मैंने पुल का ऑप्शन नहीं चूज करा क्योंकि मुझे नदी में आना बहुत पसंद है, नदी में। और यहाँ से हम कूद मारेंगे वहाँ, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस तो है, बट आखिर हमने यहाँ से छलांग लगा ही ली। और पानी, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है, इसलिए हम इसमें फिसल सकते हैं, बट हम ऊपर से ही पानी के एंजॉय ले लेंगे, थोड़ा मुंह धोएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना भी आ रहा है, बट दिख नहीं रहा है, ऐसा पसीना है जो दिखता नहीं है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही, मुझे तो यहीं रहने का मन करता है, मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, एडवेंचर्स जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जैसे व्यू देख सकते हो पानी कैसा आ रहा है, और अगर मेरे साथ में कोई और होता तो मैं और ज़्यादा इन्जॉय करता, बट अभी इतने ही काफ़ी है, मुझे जाना भी है, अभी लेट भी काफ़ी हो रही है, और वो फ़ोन कर रहे हैं कि खाना खाने आ जाओ, तो चलते हैं अभी। और सामने जो वो टॉप ढैया दिख रहा है वहां से मैं आया, और इतनी बड़ी चढ़ाई, मुझे वापस पैक करनी है, जाना है। तो
तो फाइनली गाइज आ चुके हैं हम डांग से वापस, और वहाँ थी पूजा, निमंत्रण निमंत्रण दिया था उन्होंने, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अकेले ही आया मैं क्योंकि कोई भी आने को तैयार हुआ नहीं। और फाइनली अब हम पहुँचे हैं बसोला गांव में, बसोला गांव से ऊपर आ चुके हैं। तो गाइज अभी पहुँचे हम बसोला गांव के बेहतरीन से धारे पे, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर यहाँ पे भोलेनाथ जी की मूर्ति, पार्वती माता जी और साथ में गणेश जी, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर से, बहुत ही सुंदर धारा बना रखा है, क्या बात, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपना काम निपटा के, वहाँ से आ चुके हैं हम घर पे। और बाकी आपने वीडियो पूरी देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार ही हमारा सफर आगे तक ले जाएगा। बिल्कुल आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।